कि जो समाज सब कुछ सत्ताओं से चाहता है वो समाज अपने मरे होने का सबूत देता है। जिंदा कौमें, जिंदा समाज ना तो सरकार की तरफ मुंह देखता है, ना व्यवस्था की तरफ मुंह देखता है, वो सड़क पे उतरता है और फैसला कर देता है। अगर आपको आदर्शवादी बने रहने का शौक है कि हम बहुत आदर्शवादी हैं इसलिए हम ये नहीं कर सकते, तो माफ कीजिएगा, आपको आज की लड़ाई आज के हथियार से, उस नरेटिव से, उस जुमले से, उस नारे से लड़नी पड़ेगी। एक लड़ाई है जो कल तक लड़नी है और एक लड़ाई है 1000 साल तक लड़नी है। कल की लड़ाई लड़ी जा सकती है, 1000 साल की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। इसलिए हमें आज तक यह नहीं पता था, हजारों हजारों संगठन हैं हर गली में हर मोहल्ले में है, उसके बावजूद भी मैंने किसी संगठन के अंदर बड़े बड़े महापुरुष हैं ये चिंता कभी उनके मुंह से नहीं सुनी, और अगर यह चिंता थी तो उसका निदान क्या हो सकता था यह भी मैंने कभी नहीं सुना। इसलिए 2022 के भारत में जो नए योद्धा पैदा हुए हैं, बड़े नाम नहीं है, आपने उनको इतना सुना कि वो आज बड़े हो गए। इसलिए मंदिरों पर जब जाएं, खासतौर से माएं बहने बेटियां जब भी जाएं, जब तक हमारी टीम के सदस्य इस देश का एक जाना माना चेहरा, आज के दौर में हमारे घर में कोई बच्चा आईटी पास कर ले तो मां बाप ये सोचते हैं इसे कितने पैकेज की नौकरी मिलेगी, कहां इसको अप्लाई कराया जाए। लेकिन आपके बीच में से ही एक बच्चा, उसने ये तय किया, वो आईआईटी खड़गपुर का टॉपर था, उसने किसी से पूछा नहीं मैंने ये करने जा रहा हूं, आप ये करिए, आप ये करिए, मैं ऐसा नहीं करूंगा, वैसा करूंगा, कोई सवाल नहीं किया उस आदमी ने। आईआईटी खड़गपुर से पास करने के बाद उस आदमी ने सारे जॉब छोड़ दिए और एक दिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़ा हुआ और उसने ये पूछा कि हिंदुस्तान सेकुलर भारत है, अगर है तो भी, क्योंकि अब संविधान में 1976 में लिख दिया गया है, अगर ये सेकुलर भारत है तो इस सेकुलर भारत में ये कैसे मुमकिन है कि इस देश की सत्ताओं पर बैठने वाले लोग अपने हो या पराए हो, आप मंदिरों पर मेरी आस्थाओं द्वारा चढ़ाया गया सोना पैसा रुपया सरकार कैसे ले लेती है, न वो गुरुद्वारों से लेती है, न मजारों से लेती है, न चर्चों से लेती है, और कहते हैं हम सेकुलर हैं। तो सरकार की उस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट में पूरे दमखम के साथ जो शख्स लड़ रहा है उसका नाम भी आप जाने, उसका नाम है जय साई दीपक। बेहतरीन कैरियर छोड़ के आया है, कभी सुना नहीं होगा कि मैंने ऐसा छोड़ा, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसे योद्धाओं के पीठ पीछे जरूर तारीफ करनी चाहिए। और जब तक ये लड़ाई कानूनी तौर पे ना जीत जाए, सरकार क्या करेगी, सरकार उस पर कैसे काम बनाएगी, नहीं बनाएगी, हम सरकारों के भरोसे न कल थे न आज हैं, तब तक मेरी आपसे विनती है, जिस भी मंदिर में जाएं, अगर वहां पंडित जी हैं और आपको कुछ चढ़ाना है तो किताब चढ़ा दें। सरकार जब तक इस कानून को वापस नहीं लेती तब तक कोई भी सोने का मुकुट और रुपया नहीं चढ़ाना चाहिए। देवस्थानम बोर्ड सालाना 1300 करोड़ रुपया सरकार को देता है। ये जो वैष्णो देवी जहां आप जाते हैं पैदल यात्रा करके, वहां भी जो आप पैसा चढ़ाते हैं साल में 520 करोड़ रुपया सरकार के खाते में जाता है। इसलिए जब तक ये लड़ाई पूरी ना हो जाए, आप बूंदी का लड्डू चढ़ाइए, सरकार आएगी वो ले जाएगी।
लड़ाई जब तक आपके हाथ में नहीं आएगी तब तक अपना नैरेटिव बदलिए। इसलिए मैं इस बात से खुश हूं कि ओमिन रत्नु जैसा आदमी ये अक्सर बातचीत में मुझसे कहते हैं और मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगती है। जब तक हम इस सफर में नहीं थे तो हमें यह लगता था कि ये राष्ट्रवाद की बात करना, देश के लिए कुछ बात करना, सनातन के लिए कुछ बात करना, हिंदुत्व की बात करना, ये कुछ बेरोजगार लोगों का काम है, ये पढ़े लिखे लोगों का काम नहीं है। एक ऐसा नैरेटिव बनाया था, ये कहां चक्कर में पड़े हुए, ये फालतू के काम है, इसके लिए कुछ लोग हैं बेरोजगार, वो करते रहेंगे। यही था, इसलिए सही नैरेटिव बनाए ही नहीं गए। लेकिन आज मुझे खुशी है कि यह बात रत्नु भाई फख्र से कहते हैं, और क्योंकि इन्होंने नाक का इलाज के पैसे 10 गुना लेकर के पैसे नहीं कमाए, जो ये काम कर रहे हैं उन्होंने अपनी जेब से 10,000 हिंदू बच्चे बच्चियों को पुरुषों को सिंध से यहां लाकर के बसाया है। इसमें एक प्रेरणा है। इन्होंने खुद कहा कि 99% वो दलित हैं। अगर डॉक्टर ओमेन रत्नु जयपुर में रहते हुए मान सम्मान के साथ रहते हुए आज के आधुनिक कपड़े पहनते हुए तमाम सुख सुविधाओं के बीच में भी अगर वो ये काम कर रहे हैं तो आप इस बात के लिए अपने आप से वादा करें कि जहां जहां भी आप हैं, जहां आपका घर है, जो आपका मोहल्ला है, जो आपकी कॉलोनी है, अगर कोई भी इस दौड़ में हमसे पीछे छूट गया है उसका सरनेम क्या है यह महत्वपूर्ण नहीं है, उसका हाथ पकड़ लीजिए। इसलिए मैं कुछ बातों को हिस्टोरिकल संदर्भ में इसलिए कहता हूं कि शायद मेरे कहने से उतनी बात नहीं बनेगी। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा जो घटनाएं बताई हैं, आप सबने भी कहीं ना कहीं सुनी होगी, पढ़ी होगी, उसमें कुछ बदलाव नहीं हुआ है। घोड़े पे आए थे, ऊंट पे आए थे, तलवार लेके आए थे, अब घोड़े और ऊंट नहीं है, तलवार तो आज भी है, कोई नई बात नहीं हुई है। और आपको नई बात इसलिए लगती है कि आपने सुनी सुनाई बातों का प्रचार बहुत किया है। सनातनी हिंदू समाज की सबसे बड़ी कमजोरी है बहुत जल्दी किसी पे विश्वास कर लेना और सुनी सुनाई बात का प्रचार करना, और इसके अलावा कुछ नहीं है। आज की वर्तमान घटना आपके सामने रखना चाहता हूं। आप सब जानते हैं मेरा जन्म कहां हुआ है। मैं हिंदुस्तान के उस शहर में पैदा हुआ हूं जिस शहर में पाकिस्तान बनने का आइडिया पैदा हुआ था। इसलिए मेरी पैदाइश से बंडा क्लियर है, मैं कोई कंफ्यूजन में नहीं हूं। मुझे बहुत पहले पता चल गया था कि भाईचारे में भाई कौन है और चारा कौन है। आपको समझने में समय लग रहा है क्योंकि जिनको यह काम बताना था उन्होंने भी नहीं बताया। इसलिए मैं राजनीतिक लेख, पार्टियां, सत्ताएं, संगठन, इनसे मेरी कोई बहुत उम्मीद नहीं है, वो उनकी मजबूरी है। और दुनिया में लोकतंत्र एक ऐसी चीज है जिसमें सबको झूठ बोलना ही पड़ता है, चाहे वो अमेरिका का राष्ट्रपति हो, चाहे फ्रांस का राष्ट्रपति हो, और वो झूठ बोलने की लोकतंत्र में इजाजत होनी चाहिए। बिना झूठ बोले सबका वोट मिलता नहीं है, सब जगह यही हो रहा है। इसलिए राजनेताओं से आपको शिकायत नहीं होनी चाहिए। मेरा आज भी मानना है कि जो समाज सब कुछ सत्ताओं से चाहता है वो समाज अपने मरे होने का सबूत देता है। जिंदा कौमें, जिंदा समाज ना तो सरकार की तरफ मुंह देखता है, ना व्यवस्था की तरफ मुंह देखता है, वो सड़क पे उतरता है और फैसला कर देता है। अगर
अगर आपको आदर्शवादी बने रहने का शौक है कि हम बहुत आदर्शवादी हैं इसलिए हम ये नहीं कर सकते, तो माफ कीजिएगा, आपको आज की लड़ाई आज के हथियार से, उस नरेटिव से, उस जुमले से, उस नारे से लड़नी पड़ेगी। अगर आज भी आप यह समझते हैं कि गांधी जी ने जो झूठ बोला, हो सकता है कि उस समय के हिसाब से गांधी जी ने, अगर उनको लगता होगा तो वो झूठ सही होगा, क्योंकि उस कालखंड में हो सकता है ऐसी स्थिति हो, लेकिन आज आप 2022 के भारत में हैं, आपने जींस पहनी, टाई लगाई, चश्मा लगाया, आप वॉकमैन से आज मोबाइल पे आ गए, संचार क्रांति के दौर में एक सेकंड में अमेरिका से बात कर सकते हैं, देख के बात कर सकते हैं, सब कुछ बदला, लेकिन सनातनी हिंदू ने अपनी अप्रोच नहीं बदली। दुनिया बदल रही है और इस बदले दौर में आपका नारा, क्योंकि आपने सुन लिया है और आपको लगता है कि इसी किस्म की बातें करने से कुछ कुछ समाज में अच्छा दिखना चाहिए, कोई यह ना कहे कि पुष्पेन जी कट्टर हैं, अमरेंद्र रत्नू जी जो हैं भड़काने वाली बातें करते हैं, ये वो मक्कार और कायर लोग हैं इस समाज में जो अपने आज के सुविधाओं के लिए अपने बच्चों की बलि चढ़ा रहे हैं।